जब से आई यार मेरा दिमाग खराब है, इसे पता है इससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तब भी ये ज्यादा बन के दिखा रही है। अब बन के हवा में बेजुबान में दिल, मैं इसको थप्पड़ मार दूंगा, इसको दूर कर दो मेरे से। रातों को तेरा चांद बनकर तुम इसको ये बोलवा देना कि मेरे से शादी करेगी, बोलना तो इनके सामने। दिल जो था मेरा वो तुम्हारा हो गया। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज पता नहीं सचिन एंड कृति में कब की लड़ाई हो गई। वो तो अलग रूम में बैठा है बगल भाई वाले में, और कृति उधर बैठी है। पता नहीं यार, मोबाइल भी फोड़ देता, मोबाइल फेंक के मारा था, वो तो गद्दे पे जाके लगा। चलो कृति से बात करते हैं, क्या हुआ वो ही बताएगी क्या हुआ। आपको नहीं पता क्या? मुझे क्या पता यार, क्या हो गया कृति? हाँ यार, इनके बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल। सही तो तुम ही करोगे यार, लड़ाई भी देखो तुम ही करोगी, सही करोगी तो भी वो तुम ही करोगी। समझाए तो सकते हैं हमें कि ना? वो कहाँ अभी? उधर बैठा है उस रूम में। पहले सोचना चाहिए ना तुम, गलती कुछ तुम्हारी होगी, कुछ अपनी गलती सुधारो। नहीं बोलेगी मेरी गलती है, हम दोनों की गलती, दोनों एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। चलो तुम एक बार पहले उनको देख लो, रोन आ रहे। चलो उधर ही चले। क्या कर रहा है? सचिन क्या हुआ, यहाँ क्यों आए तुम? यार कपिल उसको यहाँ भी ले आया, यहाँ क्यों बड़ा है भाई? कोई बात नहीं ना, बात कर लो, वो भी तो आई ना बात करने के लिए। अरे यार मुझे बात नहीं ठीक ना, वो भी क्यों सचिन इतनी लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों अलग हो रहे हो तुम? जब से आई यार मेरा दिमाग खराब है, पता है इससे मैं इतना प्यार करता हूँ, तब भी ये ज्यादा बन के दिखा रही है। अब तुझ जो क्या मैंने मुझे मैं इसको थप्पड़ मार दूंगा, इसको दूर कर दो मेरे से। अरे यार ये ऐसे ही करती है, इसको पता है मैं इसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ, फिर भी ये कृति मुझे इन चीजों से दिक्कत है, तुम ये बताना। वो चीज अब बता के होंगी मेरे सामने, वो चीज जरूर करेगी, चाहे मुझे छोड़ देगी, वो चीज जरूर करेगी। अरे एक साल होगी, ये तो गलत बात है कृति। अब हम कैसे कह सकते हैं, हमें पूरी बात पता होता है, तू बैठ तो जाए, इतना गुस्सा क्यों करता है? इसको पे तुम दूर बैठो पहले। तो गुस्सा मत करो, अच्छे से बात कर लो, आराम से चले जाओ, आराम से बैठ के बात करो, आराम से गुस्सा मत करो। बात क्या हो गई? अरे कल से तो मैं चलो एक महीने वो एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें जो जो वर्ड बोला है ना मैंने, वो एक वर्ड रियल है। झूठ ना, मैं बस तुम्हें जताना चाहता था, इतनी गुस्सा मैं कंट्रोल कर रहा था अपनी चीजें। कल बगेल भाई बहुत गुस्सा आई, कल हम हारे थके आए, ठीक है हारे हुए, इसने ना सबको पानी दिया, सबको मुझे छोड़ के, मैं भी वहीं पे था, मुझे पानी का पूछा भी नहीं। बाहर थे तो बाहर आ नहीं सकती थी तुम, मुझे लगा कि तुम आ जाओगे, तुम काम से बाहर गए हो, काम से बाहर गए हो, सब लोग जब अंदर बैठे थे। तो जब आ गया तब भी नहीं पूछा तुमने, ग्लास लड़ाई हो रही है क्या? उस बात के ऊपर भी बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा नहीं हो रहा, तुम बहुत थिंक करने लग गए, हर छोटी छोटी बात को लड़ रहे हो तुम। मुझे इतना अंडर एस्टिमेट करती है जैसे मैं हूं ही नहीं कोई। अरे वो बात भी तो करने आई ना, कोई बात नहीं। अरे मैं कुछ हूं ही नहीं इसका, आगे से ध्यान रख, गलत फहम तुम नहीं, तुम खाली मैं बताऊं, जब से इसकी वो जो आंटी जी ने इसकी सगाई वाली बात कर दी है ना, तब से मैं इसका देख रहा हूँ, मुझे इतना इग्नोर के जैसे मैं कुत्ता हूँ कोई। कैसे बताऊँ तुझे कि दिल में अंडर एस्टिमेट मुझे पसंद नहीं है, ऐसा है ही नहीं, तो तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। प्यार करता हूँ मुझे पता, देखो मैं निस्वार्थ हूँ, मैं प्यार करता हूँ मुझे पता, पर मुझे जो अंडर एस्टिमेट करे मुझे वो नहीं पसंद।
तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो। आता था पहले तो दूर रहो, आता था एक काम करो, कुछ दिन के लिए तुम दूर रहो, बाद में आते कम करो, गुस्सा कम हो जाएगा, फिर प्यार से। हाँ ठीक है, हटाओ हाथ हटाओ। क्यों ठीक है, तुम कैसे एक बार में वो कोई कुछ भी बोल दे, ठीक है मैं ये को हटा रहा हूँ। इससे एक बार बुलवा दो कि हमेशा के लिए मेरे से लड़ाई नहीं करेगी। खिलाना कसम इसको, मैं एक बार को बोल भी तो हमेशा क्या सिचुएशन क्या होती है क्या नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती मुझे भी नहीं पसंद। चलो वो अच्छा सुन तो, इसको ये बोलवा देना कि मेरे से शादी करेगी, बोलना तो इनके सामने। यार वो मेरी फैमिली पे बस ये तो फैमिली पे डिपेंड है। प्यार करने से पहले फैमिली को नहीं देखा? सही बात है, भरोसा होना चाहिए। मैं अपनी फैमिली को मना लूंगी। तो मैं मना रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी क्या बोला? अभी आंसर क्या था इसका? फैमिली पर डिपेंड है। जब मैं इस पर डिपेंड हो जाऊंगा ना तो फैमिली इसको अलग कर देगी, फिर बोलेगी मेरे लिए मेरी फैमिली है। वो मतलब नहीं, हार जाओ पागल। फैमिली दांत क्यों निकाल लियो? अभी भी देख इसको, घंटा फर्क पड़ रहा है इसको। अरे यार मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम क्यों इतना वो ले रहे हो? इसको फर्क पड़ रहा है इसको। तुम अपनी फैमिली के अगेंस्ट देख रहे हो? इसके दांत निकल रहे हैं सचिन, तुम फैमिली के अगेंस्ट नहीं हो? ज्यादा पास में रहने से लड़ाइयां होती हैं, थोड़ी दूरियां। सही कह रहे, ज्यादा जिससे प्यार हो जाए ना तो वो उससे प्यार की कदर नहीं करता, उससे लड़ाइयां ही होती हैं, तभी लोग अलग होते हैं। ज्यादा प्यार करने में दिक्कत ही है। अरे ऐसा नहीं है, दिक्कत है अभी तूने आंसर क्या सुना? मैंने बोला कि इससे बुलवाना ही मेरे से शादी करे, क्या बोला? फैमिली तुमसे नहीं करवाएगी क्या शादी? मुझे क्या होता है, तो फैमिली तुम भी बात कर लेगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जब तुम्हें याद है जब मैंने कौन सा प्रैंक किया था, पेट्रोल वाला, तब जब मैंने बोला था एक प्रैंक कर दिया था, उसमें मैंने बोला था चलो अभी वो करना, तब तो तुम भी बोले थे ना मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके नहीं तो कर सकता। मैंने बोला था कि मैं करूंगा, तुम भी अपने फैमिली में ही हो, तो कैसी बात कर रहे हो तुम अभी? कृति तुम्हें मेरे साथ दो, मैंने ये बोला मैं ठीक है, ये इसने मुझे एकदम प्रैंक किया था कि अभी कर दो, मैं अभी नहीं करूंगा, मैं अपनी फैमिली को मना के करूंगा, अभी मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं बोला फैमिली पे डिपेंड है, मनाऊंगा मैं क्या, कुछ भी हो जाए। बोला एक सेकंड, ऐसे हर एक लड़की बोलते कि ठीक है बाबू मैं अपनी फैमिली को मनाऊंगी, मुझे इसके मन का तो पता नहीं है मनाएगी कि नहीं मनाएगी। क्यों नहीं, क्या पता इसको लड़का पसंद आ जाए और बार मुझे बोले मैं मना रही। एक सेकंड, क्या पता लड़का पसंद आ जाए और मुझे बोल दे कि मैं मना रही हूँ, और फिर साइड से मुझे बोल दे मान ही नहीं रही है, घर वाले मान ही नहीं रहे। इधर इधर मुझे बोलते रहो कि बाबू आई लव यू, उधर फैमिली को बाप मान ही रही है, तो मैं क्या करूँ, मान ही नहीं रही है, मेरी तो गलती है नहीं। अरे ऐसा नहीं, इतना मत सोचो, तुम ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो यार, वही चीज एकदम से लड़का को ये एकदम से कैसे पसंद आ रहा है, दिक्कत हो रही है, दूर जाओ थोड़ा एक दूसरे का। तुम ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा भी, जैसा नहीं है तुम उससे ज्यादा वो करते हो। मैं ना हद से ज्यादा प्यार करने लगा तो उस चीज की कदर नहीं है। जब ज्यादा पास आदमी रहता है ना तो मैं नहीं करती तुमसे प्यार, मैं नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा गुस्सा करने वाला हूँ तो थोड़ा गुस्सा करने के बाद मैं अपनी चीजें कर देता हूँ, ये थोड़ा शांत है अपने मन में रखने वाली है, धीरे धीरे मेरे मन में आग रखती रहेगी, फिर एकदम ऐसे करेगी मेरे साथ क्या, मैं फिर टूट जाऊंगा अंदर से ही। और मैं मुंह फट्टू, मुंह पे बोल देता हूँ जो भी है। अरे एक काम करो, गुस्से में मुंह पे सारी निकाल दूंगा मैं, और ये अपने अंदर आग निकालेगा, जो चीज मुझे नहीं पसंद होगी वो एक दिन कर देगी। कितने अच्छे से बैठे थे, पता नहीं किस बात पर लड़ाई कर दी, फिर वही अभी बात गुस्सा मत कराकर सचिन, इतना बता रहा हूँ मैं बहुत नुकसान कर लूंगा अपना, बहुत ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। देख कितना गुस्सा मत करा कर, मैं इतना नुकसान कर लूंगा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब प्यार से बात कर ले, ठीक है? प्यार से कुछ नहीं होगा। कृति मेरा माता फिर गया, एक काम करो, मैं आग लगा दूंगा। तुम जरा दूर बैठ के बातें कर लो, दूर बैठ के बातें कर लो, ठीक है? इतना गुस्सा मत कर, हाँ प्लीज गुस्सा मत करो, हम नॉर्मल बात कुछ दिन तक दूर रहे, बट गुस्सा कम कर लिया। दूरी में क्या चीजें, तुम्हें ये नहीं पता होता जब मैं पास होता हूँ तब क्या चीजें खराब होती है? बात करूँ खराब नहीं होगा,
यार पता नहीं किस बात पे उन दोनों की लड़ाई हो गई, हमें तो कुछ पता ही नहीं। सचिन ने अपना मोबाइल वोबाइल फोड़ दिया था, बट यार क्या ही करें, पता नहीं यार, बताते तो है नहीं किस बात पे लड़ाई हुई है, क्या हुआ है। बस इतना ही यार, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड कमेंट करके बताना कि यार इतना ही नहीं लड़ें, इतना लड़ते हैं पर डे का। पता नहीं कल वाली बात के ऊपर लड़ाई हुई है या कुछ और बात, हमें तो अभी कुछ बताई नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।